नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस भयंकर टॉपिक पे भाई, जो लोग हैं आपसे किसी भी देश में बैठे हुए ये वीडियो आपके पास जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है या फिर ये वीडियो आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट मैसेज उन लोगों को आप लोगों के लिए है कि भाई जो लोग इंडिया से बाहर किसी भी देश में रहते हैं काम करने के लिए, खास तौर से जो लोग गए हुए हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी देश एक्स वाई जेड पर्टिकुलर एक हम दुबई की यूएई की बात नहीं करेंगे, यह हर उस इंसान के ऊपर ये बात लागू होती है जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको कुछ हो जाता है, आप मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, आपकी मौत हो जाती है। यहां तक चलो ये नेचुरल है, मौत हम उसको टाल नहीं सकते, ये ऊपर वाले एक बोलते हैं ना कि जो सांस जिन के डाले वो निकल जाते हैं, ऐसा कुछ अपने बुजुर्ग लोग कहा करते थे। जी हाँ, लेकिन आप चले गए, आपके पीछे आपके घर वालों का क्या हाल होता है, इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हम बात करेंगे। हमारे राजस्थान के, जी हाँ, पन्ने सिंह झुंझुनू जिले का एक बंदा था जो दुबई वी अल बस्ती अल मुक्ति कंपनी, भाई दुनिया दुबई में रहते हैं सब जानते हैं, बड़ी कंपनी है, काफी वर्कर इसमें काम करते हैं। जी हाँ, 2 साल से ऊपर इस कंपनी में ये बंदा काम कर रहा था, पन्ने सिंह, जो झुंझुनू में, राजस्थान में झुंझुनू जिले का है। जी हाँ, और उन रोज की तरह ड्यूटी जा रहा था, कोई उनको दिक्कत नहीं थी। जी हाँ, अचानक से उनके हार्ट अटैक का ऐसा, मेरे पास एक पत्र भी आया, मैं पूरे एविडेंस के, आप देखते रहिए पूरा वीडियो। अचानक उनके एक हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आते आते आपको पता भाई कंपनी बड़ी होती है, वर्कर ज्यादा होते हैं, तो इतना ध्यान लेबर वे वैसे भी भाई कौन ध्यान देता है, खास तौर से बता दूं, बड़े जितने लोग होंगे उतने उनके ऊपर लोगों की नजर रहती है, उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन जो लेबर कैटेगरी है उनको कोई इतना जल्दी उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसे उनको हार्ट अटैक आया, कंपनी के लोगों ने देर कर दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में। जी हाँ, तो उनकी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, ऐसा मेरे पास एक पत्र भी आया था, आप फोटो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उनको मौत हो गई, लेकिन आज मौत को हुए साथियों पूरे पूरे 23 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, आपको पता है हिंदू समाज में 12 दिन की बैठक होती है, अलग अलग धर्मों की अलग अलग बैठकें होती हैं, लेकिन ये बैठक 23 दिन से लगातार उनके गांव में चल रही है। जी हाँ, वहां से रिपोर्ट ये मिली कि भाई ये अभी छुट्टी आने वाला था जस्ट मार्च में, और मकान इन्होंने बनवा लिए थे अपने गांव में, और बच्चों की शादी करने वाला था, उनका टारगेट था कि भाई हम अब छुट्टी जाएं तो बच्चों की शादी करें, उनके 3 बच्चे हैं वो आप समझ सकते हैं, लेकिन इनके हार्ट अटैक वजह से मौत हो चुकी है। वो तो चलो लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, हो जाती है, चलो नेचुरल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक घर वालों को बॉडी नहीं दी गई है, और सीधा सीधा बहाना ये बना दिया कि ये कोरोना पॉजिटिव है। जी हाँ, ऐसा बोल के उनको अभी तक बॉडी नहीं दी गई है, जबकि वहां जो लेबर लोग हैं वो सब काम कर रहे थे कि हमारे साथ ये बंदा रूम में रह रहा था, कोई दिक्कत इनको नहीं थी, अचानक वहां गया, हार्ट अटैक का दर्द आने की वजह से इनकी मौत हो गई, लेकिन कंपनी की तरफ से नहीं तो उनको कोई आर्थिक सहायता अभी तक दी गई है, कंपनी टालमटोल करने की कोशिश कर रही है, उनकी तरफ से कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि लोग ये बोलते हैं कि कंपनी गलत कर रही है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, डेड बॉडी भी वहां की कंपनी नहीं भेज पा रही है, सरकार के भी ऊपर हम बोल सकते हैं कि भाई, हालांकि हमारे राजस्थान के बहुत सारे इस कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव बोल के, और ये बेस्ट ऑप्शन है भाई, मैंने इस वीडियो पे एक पहले भी वीडियो बनाया था, अभी के दौरान मैं बता दूं मार्च 2020 से लेके अब तक में जीत में जितनी भी मौत हुई है सबको बेस्ट ऑप्शन वहां की कंपनी दे देती है कि कोरोना पॉजिटिव था इसलिए हम इसको बॉडी नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसके पीछे कंपनियों का भी स्वार्थ होता है, कंपनियों का क्या स्वार्थ, अगर वो बॉडी भेजती हैं तो उनको मेडिकल क्लेम देना होता है, क्योंकि आप वर्कर लोगों, आपको इंश्योरेंस वहां पे हर कंपनी में होती है, और उसका मोटा मुआवजा कंपनी को देना होता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी उनकी मौत हुई है, वो कोई मायने नहीं रखता कि वो बिल्डिंग से गिर के पड़े मरे तभी वो मुआवजा दे, हार्ट अटैक का भी उतना ही मुआवजा बनता है जितना वहां वो नॉर्मल नेचुरल डेथ का बनता है। जी हाँ, तो इस वजह से कंपनियां भी ये बहाने बनाने में कोशिश करती हैं कि कोरोना पॉजिटिव था इस वजह से इसका हम बॉडी नहीं भेज सकते, बॉडी भेजने के साथ उसका पूरा हिसाब, पूरा उसकी इंश्योरेंस, पूरा उसका जो भी खर्चा वगैरह सब कंपनी को वहन करना पड़ता है, वो क्यों करे, ये एक बहाना हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं बता दूं 23 दिन से लगातार उनके घर पे बैठक चल रही है, अभी तक कोई उनका कोई बॉडी नहीं मिली है, लेकिन गांव वालों ने भी हार नहीं मानी है, परिवार वालों ने, कि उन्होंने ये बोला है कि जब तक हमें बॉडी नहीं मिल जाती हम उनके अंतिम दर्शन नहीं कर लेते हमारे परिवार के, तब तक ये बैठक लगातार जारी रहेगी। हालांकि नेताओं का
का भी उन्होंने कि भाई मैसेज एम्बेसी तक पहुंचाया है, विदेश मंत्रालय भी गुहार लगाई है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इंडियन एम्बेसी ने अभी तक कोई हेल्प नहीं की है। जी हाँ, बाकी भाई इंडियन एम्बेसी का ही रोल होता है ऐसे मामलों में, खासतौर से बात करें तो इंडियन एम्बेसी ही जो करेगी उसी को करना होगा। ठीक है, वो थोड़ा लेट कर दे कैसे कर दे, अब देखने हकीकत की माजरा क्या है वो तो देखो वहां पे जांच करने पे पता लगेगा, लेकिन यहां तक जो न्यूज निकल के आ रही है यही है। एम्बेसी को भी इसमें, इंडियन एम्बेसी को भी वहां पे सपोर्ट हालांकि करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में अभी तक घरवालों के आरोप है कि कोई सपोर्ट नहीं किया गया है और बॉडी मिलने के अभी तक कोई हमें नहीं, कि कंपनी की तरफ से भी टाल मटोल गोलमाल जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो मैं आपको एक बात समझ में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, जो लोग दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन कोई भी देश में रहते होंगे, खासतौर से गल्फ कंट्रीज की बात करें तो। जी हाँ, इसमें आपको पहले से सचेत रहना पड़ेगा कि ऐसा हादसा होने पे आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, ताकि आपका समय पे जो इंसान जाने वाला है वो गया, लेकिन उसकी बॉडी तो कम से कम घर तक पहुंच जाए, उसका मुआवजा है कंपनी में, उनका पैसा है, क्योंकि वो पैसा ही उसके परिवार को लास्ट में सहारा मिलता है। जी हाँ, कहने को तो बोलते हैं कि पैसों की कोई कीमत नहीं, पैसों की, इंसान ही चला गया तो पैसों की क्या वैल्यू है, लेकिन नहीं जी, ये बिल्कुल कहने को है, लेकिन वो इंसान कमाने वाला था, वो पैसे भेजता था, परिवार चल रहा था, लेकिन अभी अगर वो गया तो उसकी जगह उसके पैसे, उसकी जो, उसका जो मुआवजा है, उसका जो पैसा है कंपनी की तरफ से जो मिलता है, वो ही उसके परिवार को सबल देता है, उसके पालन पोषण में वो पैसा काम आता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, कहने में, करने में, सोचने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो साथियों, मेरा कहने का रिक्वेस्ट मतलब यही है कि इन चीजों का ध्यान रखें भैया, ये हादसा देखिए किसी के साथ भी हो सकता है, और खास तौर से अल मुक्ता अल बस्ती कंपनी में जो भी वर्कर हैं, आप कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि ये आज पन्नी सिंह है कल आपके साथ भी हादसा हो सकता है, सोचने की बात है ये। तो एक आवाज उठा के, दुबई में लेबर लॉ बना हुआ है, सब कंट्रियों में लेबर लॉ बना हुआ है, हर चीज में आपका हक है, लेकिन सच ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप गारंटेड बात है, राजस्थान के, इंडिया के कितने वर्कर है, अल बस्ती अल मुक्ता चल रही है इंडिया के लोगों से, आपको पता नहीं है, एक दिन की स्ट्राइक करके मार के देखो, 100% उसका समाधान हो जाएगा। जी हाँ, और उस कंपनी की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो हजारों की संख्या में इंडियन वर्कर है, सबका वीजा कैंसिल करके इंडिया भेज दे, क्योंकि उनको भी चलना होता है, उनका भी प्रोजेक्ट होता है, उनको भी करोड़ों में डील करनी होती है, वो ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ, तो ऐसी चीजों पे एकता बनाए रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको, और कानून आपको जान लेना जरूरी है कि भाई आप किसी भी देश में रह रहे हैं तो लेबर लॉ वहां का क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने कितना भी बड़ा 30 मार्क का अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन आपके कानून के सामने वो छोटा है, समझ गए बात को। तो इसमें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस कंपनी में हैं, तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। ये जो बन्ने सिंह की बॉडी, डेड बॉडी है, ये उम्मीद करेंगे कि जल्दी कोरोना पॉजिटिव का बहाना हटा के जल्दी इंडिया में उनके घर वालों के सुपुर्द की जाए, ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके, अंतिम दर्शन कर सके, यही उम्मीद हम करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें अन्य लोगों को जो विदेश में रह के जॉब करते हैं, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय